हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल कोकोनट की बर्फ़ी। तो चलो शुरू करते हैं ये कोकोनट की बर्फ़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये कोकोनट, और कोकोनट को मैंने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कोकोनट को अपने ध्यान से तोड़ना है। यहाँ पे लिए मैंने गुड़, और गुड़ का जो यूज है वो आपको मैं आगे जाकर बताती हूँ। और यहाँ पे लिए मैंने बादाम, और बादाम को भी हम आगे जाके इसका यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और पैन में मैंने ऐड कर दिए हैं 2 घी के चम्मच, देसी घी के चम्मच। तो घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी जो गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्राइंड किया हुआ बादाम और ये कोकोनट। इन दोनों को एक साथ में अपने ऐड करना है। अगर सेपरेट सेपरेट करोगे तो ये थोड़े ज़्यादा जल जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो आप, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे रख लिया ये गुड़, और गुड़ को मैं मेल्ट कर लूँगी। इसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, और लिक्विड फॉर्म के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया दूध, और दूध को मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से। और बॉयल करने के बाद मैंने ये जो फ्राई किया हुआ बादाम और कोकोनट था ना, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसको मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो मिक्स करके इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी, जैसे कि देख सकते हो आप। आपने ये सब जो सारा प्रोसेस है वो लो फ्लेम पे करना है। यहाँ पे लिए मैंने खजूर, और खजूर के मैंने अंदर के बीज जो भी निकाल दिए हैं, और खजूर को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, दूध जो पूरा सूख गया, और मैंने खजूर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और खजूर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ताकि खजूर का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। तो खजूर भी मिक्स हो गए हैं अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये जो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं ऐड करूँगी वो मेल्ट किया हुआ गुड़। तो ये गुड़ को मैंने आपको बोला था ना, गुड़ को हमने छान लेना। तो गुड़ को मैंने छान लिया, और छान के मैंने गुड़ को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हम गुड़ को तब तक चलाते रहेंगे जब तक गुड़ जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता है। मतलब जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह हमने इधर ये प्रोसेस करना है सेम। तो जैसे कि देख सकते हो आप, अपने गुड़ को तब तक चलाना है जब तक गुड़ जो है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक। तो ऐसे कंटिन्यू चलाना है, और चलाते चलाते इसको पूरा सुखा देना है। तो जैसे कि देख सकते हो, पेस्ट जो बर्फ़ी का ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो बस इसी फॉर्म पे हम अब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और थोड़ा सा देर 5 मिनट हम वेट करेंगे, और 5 मिनट के बाद हम इसको फिर ट्रे में सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया आइस क्यूब वाली ट्रे, और इसमें मैं इसको सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ, इसमें शेप्स बनी हुई हैं, इसलिए मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी। तो आपने हाथ से नहीं करना है, चम्मच से करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो हाथ जल सकते हैं, तो इसलिए आपने। तो पहले आप इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट कर लें, फिर हाथ में थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेनी। तो ये ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए आपने डायरेक्टली नहीं करना है, नहीं तो हाथ जो वो जल सकता है, तो इसलिए आपने हाथ में थोड़ा पानी लगाना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये पूरा सेट हो गया अच्छे से। तो बस अब मैं इसको 15 से 30 मिनट के लिए रखूँगी, और फिर इसको ऐसे करके चाकू की हेल्प से इसको निकाल दूँगी बाहर। 15 से 30 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इनको सर्व कर दूंगी। और सर्व करने से पहले मैं इनको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। तो आप चाहो कोई भी जो आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं, उससे आप ये इसको गार्निश कर सकते हो। तो बस ये मेरी आज की रेसिपी थी जो बन के रेडी हो गई है। अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके वो देख सकते। और सबको हैप्पी दिवाली एक बार फिर से मेरी तरफ से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।